नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे दोस्तों, इसका अगर डेफिनेशन अगर बात करें तो जो भी हम चीज़ें या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो। लेकिन अभी तक हमको इतना ही पता है, यानी इंटरनेट जो हम एक्सेस करते हैं तो इन्फॉर्म हम एक्सेस करते हैं सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप या पीसी के अंदर। लेकिन इंटरनेट से और भी कुछ चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं, उससे हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे हम काम भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर, इसका जो नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स के बारे में बात करें तो डिवाइस कनेक्शंस, डेटा सेंसिंग, यानी पहले डिवाइस कनेक्ट होता है, उसके बाद में डेटा सेंसिंग होता है, फिर बाद में कम्युनिकेशंस, और फोर्थ जो होता है आपके डेटा एनालिटिक्स, यानी डेटा सही है या गलत है उसके बारे में एनालिसिस होता है, आपके डेटा का वैल्यू, और फिर बाद में ह्यूमन को यानी आदमी को इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। अगर आप कैरेक्टर के डेफिनेशंस ऑफ IoT और उसके अंदर सेवन कैरेक्टर्स अगर आप बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी, यानी M2M यानी मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी यहाँ पे, और दूसरा जो यहाँ पे थिंग्स यानी सेंसर्स या तो डिवाइसेस, और तीसरा जो यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन या तो डेटा इन्फॉर्मेशन हम जो बोल सकते हैं यहाँ पे, और जो फोर्थ जो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन ऑफ डेटा फ्लोस, और इंटेलिजेंस या तो स्मार्ट एनालिटिक्स, और जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों एक्शंस डिसीजन मेकिंग या तो डिसीजन ऑटोमेशन, और उसके बाद जो फाइनल जो लास्ट स्टेप होता है यहाँ पे सेवेंथ कैरेक्टर जो है इसका इकोसिस्टम कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट या तो IoT यानी इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स। यहाँ पे जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेवन क्रूशियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैरेक्टर में कनेक्टिविटी, सबसे पहले यहाँ पे कनेक्टिविटी होता है, यानी जो भी हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं नेट से तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन पास होता रहता है, तो ट्रांसमिट होता रहता है। उसके बाद में जो थिंग्स होता है, थिंग्स को हम कह सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस, और जब डिवाइस जो डेटा ट्रांसफर करेगा उसको हम डेटा कहते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे, उसके बाद में इंटेलिजेंस, और उसके बाद में जो एक्शन होता है यहाँ पे, उसके बाद में इकोसिस्टम जो पॉइंट्स हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप लाइक मेनी फ्लेवर्स, अगर आप इसका फ्लेवर की बात करें, अगर इसका अलग अलग तरीका अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों इंटरनेट ऑफ यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IIoT बोल के, यानी इंडस्ट्रियल के अंदर, इंडस्ट्रियल या तो कंपनी या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे उसको यूज़ इस्तेमाल करते हैं उसको यानी IoT को, या IoE यानी इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग यानी जहाँ चाहे वो पीपल हो या प्रोसेस हो या डेटा, और या तो CIoT यानी कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और अगर आप फर्स्ट की बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑफ IoT यानी इंडस्ट्रियल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर बात करते हैं तो वहाँ इंडस्ट्रियल के अंदर कैसे यूज़ करते हैं इसको देखिए, इंप्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो यूज़ करते हैं IoT का, यानी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्रिएटिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो ये सारे जो पॉइंट्स है दोस्तों बेसिकली यूज इन द इंडस्ट्रियल पर्पज। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे दोस्तों कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर बात करें तो यानी कंज्यूमर यानी कस्टमर की कस्टमर मतलब कहाँ पर यूज़ करेंगे, अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो फिर से यहाँ पे हेवी मशीनरीज और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के अंदर इंटरनेट यूज़ होता है, और तो स्मार्ट सिटीज़ के लिए यूज़ होता है इंटरनेट। और कंज्यूमर ऑफ इंटरनेट थिंग्स के अंदर लग जैसे कि वियरेबल के अंदर हो सकता है, जैसे कि गूगल ग्लास है या स्मार्ट वॉचेस या तो ट्रैकर्स या तो VR यानी वर्चुअल रियलिटी वगैरह जो डिवाइस आते बेसिकली वेयर का, और फोन से तो काफ़ी हम तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं फोन के अंदर इंटरनेट, और टीवी जो अभी नया जो टीवी आ गया वो भी मतलब इंटरनेट एनेबल टीवी से, और उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन यानी होम अप्लायंसेस के अंदर या तो होम मॉनिटरिंग सिस्टम या तो होम ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर, अगर आप ऑटोमेशन की बात करते तो ऑटोमेशन के अंदर फैक्ट्रीज या तो हेल्थ केयर यानी मेडिकल्स या तो हॉस्पिटल के अंदर जो यूज़ करते हैं जो बड़े बड़े डिवाइसेस वो भी क्या होता है इंटरनेट एनेबल डिवाइस होता है दोस्तों। वर्किंग टुवर्ड्स द यूनिवर्सल इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेफिनेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिट्स इन दी एंड रिक्वायर ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन हाइपर कनेक्टिवनेस, यानी जो बहुत सारे जो चीज़ें हैं डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट होता है बेसिकली टू ट्रांसफर द डेटा, टू ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस, इसीलिए इसका जो नाम बेसिकली उसका जो मेन जो इसका इंटेंशन दोस्तों M2M यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अगर ऑपरेशन का बात करें तो यहाँ पे होम ऑटोमेशन यानी घर में जो भी हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह यूज़ करते हैं, वाईफाई चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो या आपका एयर कंडीशन हो घर के अंदर या तो रोबोटिक सिस्टम्स हो, ये सारे जो चीज़ें होम ऑटोमेशन यूज़ करते हैं। तो वियरेबल टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्ट वॉचेस से या तो फिटनेस ट्रैकर से या तो VR हेडसेट्स वगैरह वगैरह जो डिवाइस होता है, एनवायरनमेंट में IoT एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी दैट हैव सेंसर्स कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर द लाइक एयर एंड वाटर क्वालिटी, मतलब अगर आप मौसम के बारे में आपको जानकारी जाना है तो मतलब क्वालिटी मतलब एयर क्वालिटी तो वाटर जो कैसा है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो भी आप IoT यूज़ करते हो। यूटिलिटी के बारे में अगर बात करें तो डूइंग रियल टाइम ग्रिड असेसमेंट फ्रॉम डिवाइस सिटिंग इन द ग्रिड सिस्टम, ये तो लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं बेसिकली IoT का। तो ये जो अलग अलग जो ऑपरेशन है दोस्तों इसका काफ़ी इसका जो यूसेज है, अगर आप पिक्चर है मतलब अगर आप इसको देखते हैं तो ऑपरेशन डोमेन्स के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक के अंदर यूज़ करते हैं, स्मार्ट इंडस्ट्री, स्मार्ट रिटेल,
स्मार्ट एनवायरनमेंट, यू नो प्रिसिशन, यू नो एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इसको फोकस करता हूँ। और इसके लिए लेकिन पीछे जो है ना, यानी अंडरस्टैंडिंग हाउ आईओटी वर्क्स, आईओटी कैसे वर्क होता है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे वर्क होता है, सबसे पहले यहाँ पे तो बेसिकली हार्डवेयर सपोर्ट होना चाहिए। जैसे तो देखिए यहाँ पे हार्डवेयर यानी डिवाइस मस्ट हैव रिक्वायर्ड हार्डवेयर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद इंटरनेट। सबसे पहले जो हार्डवेयर, जो क्वालिटी हार्डवेयर होना चाहिए ताकि वो डाटा ट्रांसफर है तो डाटा रिसीव करना चाहिए लाइक लोग उसके लिए लायक हो। और दूसरा जो दोस्तों यहाँ पे प्रोटोकॉल यानी जो रूल्स होता है बेसिकली यहाँ पे डाटा कैसे ट्रांसफर हो, लेकिन उसके लिए मीडियम क्या हो, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल या तो FTP या तो SOAP प्रोटोकॉल या तो REST प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल होता है सिस्टम के अंदर बेसिकली, तो ये कैसा होगा। और डोमेन नेम यानी जो डोमेन्स यानी जो बेसिकली जो एड्रेस नेसेसरी टू हैव ए प्लेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, कि सर्वर होना चाहिए, तो डेटा स्टोर करने के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए, यूजर हम जो कहते हैं उसको डेटा स्टोरेज या तो सर्वर हम जो बोल सकते हैं। और सब और जो फोर्थ जो पॉइंट है बेसिकली यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर जो यूज होता है, जो बेसिकली कम्युनिकेट होता है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली कम्युनिकेट होता है डिवाइस के साथ, कम्युनिकेट करना, वहाँ से डेटा ट्रांसफर करना या तो रिसीव करना, उसके लिए एप्लीकेशन का बहुत जरूरी हो दोस्तों। तो ये था दोस्तों शॉर्ट वीडियो यानी IoT के ऊपर, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और इसको शेयर करिए, और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।